भगोड़े अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। खालिस्तानी समर्थक के पिता तरसेम सिंह ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी के पिता का कहना है कि उनका बेटा पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। गुरु साहिब की सोच थी कि पंजाब नशे से रहित होना चाहिए। अब उन्होंने सिख संगत से अपील की है कि पंजाब को नशा मुक्त करने के उनके बेटे अमृतपाल के मिशन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एक सरासर झूठ है, बदनाम करने वाली बात है, है? हम लोग अच्छा भला खाना खा रहे हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा अपना काम धंधा था। तो अभी उसको उसने अगर उसका टोटल किया जाएगा जब तक वो आया कि अभी तक कितना पैसा खर्चा किया होगा, अगर उसका आप कैलकुलेशन भी करके देखेंगे तो कम से कम 2 करोड़ भी नहीं होगा। तरसेम सिंह ने बताया कि उन्हें टीवी चैनलों के माध्यम से खबर मिली है कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। बुजुर्ग का दावा है कि उनका बेटा परिवार के संपर्क में नहीं था। साथ ही फरारी के दौरान मीडिया में दिखाई गई तस्वीरें साफ और सही नहीं थी, क्योंकि अमृतपाल आज भी सिखी स्वरूप में ही दिखा है। वही अमृतपाल के साथ जितने भी बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वह उनके साथ है। उधर अमृतपाल के चाचा ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें रविवार सुबह ही पता चला था कि अमृतपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि वह पुलिस के पास ही है। अमृतपाल ने फरारी के दौरान कभी भी परिवार के साथ संपर्क नहीं किया था। पंजाब सरकार के उच्च सूत्रों से पता चला है कि पत्नी किरणदीप को निगरानी में लेने के बाद से अमृतपाल दबाव में आ गया था। बता दें कि बीते दिनों लंदन की फ्लाइट पकड़ने से पहले किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने रोक लिया था। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर NII महिला से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई, इसके बाद उसे घर भेज दिया गया। अमृतपाल की पत्नी को एयरपोर्ट पर रोके जाने पर अकाल तख्त प्रमुख का बयान भी सामने आया था। जत्थेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतपाल की पत्नी को एयरपोर्ट पर रोकने पर कहा कि सरकार पता नहीं क्यों ऐसा माहौल पैदा कर रही है। किरणदीप पर कोई FIR भी दर्ज नहीं है। अगर वह अपने घर जाना चाहती है तो उसे रोका क्यों गया? हम उस कौन से संबंधित हैं जिसने हमेशा अपनी आवाज उठाई है? अगर उसका कोई कसूर नहीं है तो उन्हें तंग परेशान क्यों किया जाना चाहिए? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को अमृतपाल की पत्नी को उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया और वह विदेश न जाकर वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। इस बात का दावा पंजाब पुलिस के DGP सुखचैन सिंह गिल ने भी किया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद रविवार को पंजाब DGP ने बताया कि पुलिस ने पिछले 35 दिनों से दबाव बना रखा था। सभी विभाग इंटेलिजेंस के साथ पूरा तालमेल में काम कर रहे थे। आज यानी रविवार की सुबह अमृतपाल सिंह को डिटेन कर दिया गया है। लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने पंजाब में कानून व्यवस्था को खराब नहीं किया और भाईचारे को कायम रखा। किसी को भी पंजाब का माहौल और खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। DGP के मुताबिक अमृतपाल सिंह को सुबह 6:45 पर रोड़ेगांव से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के पास पूरी सूचना थी, इसके बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि उनके पास सूचना थी कि अमृतपाल गुरुद्वारे के अंदर है, तो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पंजाब के तमाम विभाग मिलजुलकर काम कर रहे थे। अमृतपाल सिंह के ऊपर NSA के तहत कार्रवाई की गई है। इंडिया 24/7 लाइव TV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।